वो हमको लॉलीपॉप की तरह इन्होंने मूर्ख बना करके यहाँ से जो भेजा था, उसी गलत नीतियों के कारण आज तक हमको एमएसपी गारंटी कानून नहीं मिला है। सरकार ने खुटी कोड़ी मुआवजा नहीं दिया है, केवल जुमले के नाम, जुमले के सिवा सरकार कुछ नहीं दे रही है। आपने कहा था कि 2022 में आपकी आय डबल करेंगे, मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो खर्चा है वो 100 गुना हो गया है, आय डबल नहीं हुई है। अभी तो चेतावनी दे रहे आए हैं, इसके बाद नहीं देने आए हैं। किसको? मोदी को। भाई 9 दिसंबर में उसने कहा था, आपने खुद सुना था, मैं समझा नहीं पाया किसानों है, जब कहा था कि नहीं मेरी तपस्या में कहीं चूक गई, अब तपस्या पूरी हो गई नहीं, बाकी अब जाए नहीं, मेरा नाम एमएसपी दे हमें। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त आप देख सकते हैं जंतर मंतर पर कितनी तादाद में यहाँ किसान लोग मौजूद हैं और अलग अलग राज्यों से यहाँ पर किसान आए हैं। पहले तो आप सबसे पहले यह सामने देख लीजिए, लहसुन प्याज की जो माला है इन्होंने गले में टांग रखी है, ये अपने आप में ही एकदम अलग है। तो सर, ये लहसुन प्याज की माला टांग कर आप क्या दर्शाना चाहते हैं? भाई मैं मजबूर हूँ, मैं इसलिए मजबूर हूँ कि आज इस लहसुन को मैं मंडी में ले जाता हूँ तो मेरे को इसका भाड़ा नहीं मिल रहा है। यह लहसुन 40 रुपये 50 रुपये किलो बिक रही है, प्याज 2 रुपये 5 रुपये किलो बिक रहा है, तो मैं जब मेरे को इसका भाड़ा ही नहीं मिल रहा है तो मेरे को उचित दाम मिलेगा कहाँ से? तो मेरे मध्य प्रदेश का, मैं मंदसौर का किसान हूँ, मेरे मध्य प्रदेश का मंदसौर का नीमच का रतलाम का जावरा का जो किसान है उसको मंडी में न मच के बेच करके, जो अभी बारिश का समय है इनको नालों में बहा रहे हैं। कारण है इसका कि सरकार की जो गलत नीतियां हैं, हमने जो मांग करी थी कि एमएसपी की गारंटी कानून हमको चाहिए, वो हमको लॉलीपॉप की तरह इन्होंने मूर्ख बना करके यहाँ से जो भेजा था, उसी गलत नीतियों के कारण आज तक हमको एमएसपी गारंटी कानून नहीं मिला है। मेरे को बहुत सारे लोगों ने कहा है यहाँ पर कि दिल्ली में लहसुन 40 रुपये बिक रही है किलो, जबकि मैंने यहाँ कहा है कि भाई ये तो 40 पैसे किलो भी पाओ, सर, किलो नहीं, हाँ तो ये सब देखना सरकार का काम है, ये हमारा काम तो है नहीं। हम तो इसलिए आए हैं कि मोदी सरकार से हम ये कह रहे हैं कि सरकार हमारे ऊपर ध्यान दे, ये जो हमने बोया था इसका न तो खाद का पैसा मिल रहा है, न जमीन का किराया मिल रहा है, न हमारी मजदूरी मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा है, और लागत का मूल्य तो छोड़ो, इसको मंडी में ले जाने का पैसा तक नहीं मिल रहा है, इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पर मोदी सरकार ने तो आपको 5 योजनाएं दी हुई है, सरकारी बीमा योजना है, किसान बीमा योजना है, प्रतिनिधि योजना है। अभी मेरे मंदसौर में मार्च के माह में ओलावृष्टि हुई थी, सरकार ने कहा कि सर्वे करा रहे हैं, पटवारी गिरदावर तहसीलदार सब फील्ड में दौड़े भी थे, लेकिन सरकार ने फूटी कोड़ी मुआवजा नहीं दिया है, केवल जुमले के नाम, जुमले के सिवा सरकार कुछ नहीं दे रही है, और बीमा नाम मात्र का जो प्रीमियम वसूली जाती है, वो प्रीमियम जितनी वसूली जाती है उतनी प्रीमियम भी बीमे के रूप में वापस नहीं दी जाती। प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है, देश के राष्ट्र प्रधानमंत्री हैं, उन पे भरोसा कीजिए। भरोसा तो किया है ना मैम, 7-8 साल से यही तो कर रहे हैं, जब हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे जो पहले वाले जो दिन थे वो ही बढ़िया थे, हमारे को अच्छे दिन नहीं चाहिए। आपने कहा वो तो अच्छे दिन आ गए। अरे आपने कहा था कि 2022 में आपकी आय डबल करेंगे, मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो खर्चा है वो 100 गुना हो गया है, आय डबल नहीं हुई है, जो लागत जो मूल्य है वो, और जो खर्चा है जो खाद है बीज है उसका जो खर्चा है वो 10 गुना 100 गुना हो गया है, आय डबल कहीं नहीं हुई है, देश में किसी किसान की आय डबल नहीं हुई है। जब आप जब टिकरी बॉर्डर और ऐसे बॉर्डर आपने सिंघु बॉर्डर वगैरह जब घेरे थे तो वह जब आप वहाँ से उठे तो सरकार ने आपकी मांगे मान तो ली थी और पवित्र मन से उन्होंने कहा भी था कि भाई मैंने अंदर कोई छल कपट नहीं है, ये अच्छी योजना लेकर आए हम किसानों के लिए। एक बार आप भी सरकार से पूछ लीजिए कि आगे उन्होंने क्या पहल करी, कुछ भी नहीं करा है, जो कमेटी बनी जो आश्वासन दिया था उसके बाद आज तक कोई पहल नहीं है, कोई भी पहल नहीं है उस विषय को लेकर के, इसीलिए तो किसान आज पूरे देश का किसान, हर राज्य का किसान यहाँ इकट्ठा हुआ है। पहल नहीं है, और जो जो टीवी मीडिया है वो तो उनका ऐड दिखा रहा है, किसानों के लिए लहरा रहा है, इतना हरियाली दिखा रहा है, इतना गोदी मीडिया है, टीवी मीडिया और सोशल मीडिया, तो आप लोग जो सड़कों पर किसानों की आवाज़ सुन रहे, किसानों की बात को रख रहे, गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाएगा। गोदी मीडिया तो सुबह से लेकर शाम तक टीवी पे एक एजेंडा चलाता कि बीजेपी ने ये अच्छा कर दिया, बीजेपी ने ये अच्छा कर दिया, बीजेपी के गुनगाता रहता है वो, किसानों की आवाज़, मजदूरों की आवाज़ कभी, आज के अगर
टीवी मीडिया अगर यहाँ आकर जंतर मंतर पर इन किसानों की आवाज दिखाते, मैं आपसे गारंटी के साथ कहता हूँ बीजेपी की सरकार की चूल हिल जाएगी। लेकिन टीवी मीडिया यहाँ पर नहीं आएगा, टीवी मीडिया सिर्फ वो दिखाएगा जो पीएमओ ऑफिस से प्रारित होकर जो वहाँ से पास होकर जाता है। जंतर मंतर घेर लिया, जंतर मंतर दिखा रहा, वो एक हेडलाइन दिखा देता कि किसान जंतर मंतर पे पहुंचे। जिस तरीका से आप लोग कवरेज कर रहे हैं, आप लोग यहाँ फोटो दिखा रहे हैं, लोगों के बीच में गर्मी में आ रहे हैं, टीवी मीडिया को पता है अगर अंजना ओमकच्छप और रूबिका लियाकत अली इस तरीका से यहाँ आ जाएं, जो हाल उनका बिहार में हुआ था, जो उनके खिलाफ नारे लगे थे, वो अगर यहाँ किसान उनके साथ ना कर दें तो आप ये कहना क्या कहना क्या कहना चाह रहे हैं? इस देश में अगर आने वाले 5 या 10 साल में अगर कोई बर्बादी, अगर ये देश अगर बर्बादी के रास्ते पर जाएगा तो इसी मीडिया के कारण जाएगा, क्योंकि इस मीडिया ने आज तक कोई सच चीज बताई नहीं है। आज भी वो बता रहे हैं कि किसान की आय डबल हो गई, ये हो गई। जब डबल आय हो जाती तो मैं क्या यहाँ दिखाने थोड़ी आता। अपनी मांगों में आपने अजय मिश्र टैनी जो है वो हिंसा हुई थी उसका भी जिक्र किया है, उसमें क्या कुछ हुआ है? उन्होंने आश्वासन दिया तो था वहाँ से आदित्यनाथ जी ने, भाई आश्वासन दिया था, उसके आगे कोई पहल नहीं है। हम चाह रहे हैं कि भाई जिन लोगों ने हत्या करी है, जो हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा दी जाए, यहाँ पर किसान आंदोलन में जो शहीद हुए थे उन लोगों को शहीद का दर्जा दिया जाए। गाड़ी चढ़ाई ही नहीं थी वो तो, जो SIT गठित हुई थी, जो जांच आई थी उसमें क्या था? जब उसमें तो आया ना, सारा क्लियर आया ना। झूठ बोला जा रहा है, परोसा जा रहा है, बोला क्या जा रहा है, झूठी परोसा जा रहा है, पूरे देश को दिखाया जा रहा है। तब क्या करेंगे, इतना टाइम वहाँ पर आपने घेरा था, अब क्या करेंगे? तब तो यूपी चुनाव चल रहा था, सरकार पीछे हट गई थी, अब क्या करेंगे? अब तो कोई चुनाव भी नहीं चल रहा है। चुनाव से हमारा कोई लेना लेना है ही नहीं मैडम। ये आज जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरे देश के आज एक मतलब एक छोटी सी मतलब एक झलक है, एक झलक है आज, ये झलक है, मैसेज है, ये मैसेज है। आने वाले समय में जो पिछले साल हुआ था उससे भी आप ज्यादा ही मानिए, फिर से होगा आंदोलन, आंदोलन कर देंगे, पूरी सड़कें जाम कर देंगे। होगा, होगा ही सही ना, क्यों नहीं होगा। कहाँ से आए थे आप, क्या नाम है? मेरा नाम महेश व्यास, जिला अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ जिला मंदसौर। क्या कह रहे हैं बताओ? आपने अभी जो बोला भाई साहब से कि 5 योजनाएं लेके आए थे, आप एक नाम बताओ, दो नाम बताओ, फिर हम उसका जवाब देंगे। एक लानी थी मैंने परम्परागत खेती, परम्परागत खेती, जैविक खेती, जैविक खेती, मृदा कार्ड बनावे के माध्यम किसानों की बात रखी थी। वो मृदा कार्ड मध्य प्रदेश का हूँ मैं, मध्य प्रदेश में 313 विकास खंड हैं, 313 विकास खंडों में 40-40 लाख की और बिल्डिंगें हैंगी और करोड़ों की मशीनें हैं, लेकिन आज तक एक भी किसान की मट्टी पर खंड नहीं हुआ, वो मशीनें ही बेकार हो गई, जाम लग गया, 15 की रखी हैं। तो ये तो ऐसी योजना है परंपरागत खेती के नाम से जो योजना बनाई थी सरकार ने, ध्वस्त हो गई, वो भी ध्वस्त हो गई। दूसरी बात जाए, जो आप बोल रही, प्रधानमंत्री का कहना था, कई बार ये कहा है कि पूर्व के प्रधानमंत्री कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते 85 पैसे रास्ता में रह जाता है और 15 पैसा छोड़ तक जाता है मजदूर किसान के पास में, लेकिन हम कह रहे हैं मध्य प्रदेश के किसान हो के हमजाबाद कह रहे हैं कि इनका 100 पैसा भी पूरा नहीं जा रहा, पूरा 100 ही पैसा रास्ता में रह रहा, 1 पैसा भी नहीं जा रहा 100 में से। इनकी जितनी योजना है पूरी खिलाफ। किसान बीमा योजना के तहत आपको पैसा वगैरह आता है? अरे भाई बीमा की हम बोलत जा रहे हैं आपसे, बीमा हमसे 10 रुपया लिया और 4 किसानों 8 रुपया दे दिए, 2 पिन नहीं धर ले, पूरी रकम ही वापस नहीं करते। ऐसे कई प्रमाण है, हम तो एक आध दो प्रमाण जेब में रखे हैं, बता देंगे आपको जेब में रख के प्रमाण। हाँ हाँ, जो हमारे यहाँ कीट व्याधि का और अति वर्षा का, ओलावृष्टि का एक जो मुआवजा होता है ना, उससे राहत राशि बोलते हैं, उसका पैसा आया तो उसका पैसा इन लोगों ने बीच में खा लिया, भाजपा के लोगों ने, अब उनके दलालों ने, जो भी दलाल हैं, हम तो जब आप चैलेंज से कह रहे हैं, नहीं चैलेंज से कह रहे हैं, चैलेंज से रायसेन जिले के हम चैलेंज से कह रहे हैं, बता दें क्या कुछ करेंगे। अभी आज तो एक दिन था, अभी तो चेतावनी देने आए हैं, इसके बाद चेतावनी देने आए हैं किसको? मोदी को, मोदी को चेतावनी। हाँ मोदी को, उसने कहा था नहीं कि हम MSP दे रहे हैं अभी, आप उठ जाओ, जब तो उठे थे हम भाई, नवंबर दिसंबर में उसने कहा था, आपने खुद सुना था, मैं समझा नहीं पाया किसानों है, जब कहा था कि नहीं मेरी तपस्या में कहीं चूक गई, तो अब तपस्या पूरी हो गई नहीं बाकी, अब जाए नहीं मेरे नाम MSP दे हमें, सीधी बात जाए और कहा है MSP के तहत कुछ मिल नहीं रहा आपको? नहीं मिल रहा, नहीं
हमारा उदाहरण के मध्य में मक्का का समर्थन मूल 2000 है, बिक रही है 8,800-11,100। चना का समर्थन मूल 5200 है, बिक रहा है 4000। बोई हाल तुवर का है, वो समस्त अनाजों का है बोई हाल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी देखा आपने किस तरीके से ये मध्य प्रदेश से किसान लोग भाई लोग आए हुए हैं और लगातार यहाँ पर आप पूरा जत्था का जत्था देख सकते हैं। यहाँ पर कितने तादाद में पूरी राज्यों से किसान आए हैं, कहीं मध्य प्रदेश से आया है, कोई यूपी से आया है, कोई पंजाब से आया है। लगातार यहाँ पर किसानों का जो जमघट है जुड़ता जा रहा है और धीरे धीरे अब यहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठा होती जा रही है कि आप देख सकते हैं कि इनकी भीड़ जो है वो एक पूरी चेतावनी दे रही है और वो कह रहे हैं कि आज जो हम आए हैं ये एक चेतावनी है मोदी सरकार के लिए और मोदी जी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने काले तीन काले कानून वापस लिए थे और कहा था कि एमएसपी देंगे, मगर उसके तहत जहां पर एमएसपी का ही तो कोई दूर दूर तक बात ही नहीं की गई है, और जब वो किसानों को समझा नहीं पाए थे तो अब फिर से किसान जो है यहां पर रोडों पर सड़कों पर आ चुके हैं। सोचिए एक राज्य मध्य प्रदेश में लहसुन की खेती को लोगों को नदियों में बहाना पड़ रहा है। सोचिए उनको उस तरीके का जो है बजट ही नहीं मिल पा रहा है, उस तरीके का उनको पैसा ही नहीं मिल पा रहा है, तो उस खेती को उन्होंने उस नदी में बहा दिया। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं कितनी तादाद में यहाँ पर किसान जुटे हुए हैं। अभी और भी लोगों से हम लोग जानेंगे और बात करेंगे। इसी के साथ देखते रहिए जनिताबाद, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मैं पूजा, चंद्र मंतर, दिल्ली।